Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों और नई एनर्जी के साथ किरण हाजिर है. हाँ जी, हर हफ्ते आप लाइवली वीकेंड में देखेंगे लाइव कुकिंग कंपटीशन. हमारे पास हैं 16 लोग और इन 16 में से हमने 8 की सिलेक्शन करनी है फॉर आर क्वार्टर फाइनल राउंड. और फिर उन 8 में से 4 को कर दिया जाएगा बाय बाय और 4 आगे बढ़ेंगे हमारे सेमीफाइनल राउंड के लिए. और पिछले हफ्ते हमने उन 8 में से 1 की सिलेक्शन कर ली थी. और पिछले हफ्ते का जो शो था कुकिंग में, उसमें आपने काफ़ी डिज़ास्टर देखा होगा, क्योंकि जो हमारी कंटेस्टेंट थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी. इस हद तक घबरा गई थी कि वो अच्छी भली कुकिंग भी भूल गई थी और हर चीज़ जल गई थी. और जो कुछ हुआ था आपके सामने हुआ था और हम चाह के भी कुछ छुपा नहीं सके आपसे. अब आज देखना है कि कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, लाइवली वीकेंड स्टार कुक बनेगा और ये ट्रॉफी विन करेगा. वही करेगा जो अपना टास्क अच्छे से, तरीके से, सलीके से और टाइम पर ख़त्म करेगा. हमारी आज की 2 कंटेस्टेंट हैं और दोनों स्टूडेंट हैं. दोनों ने कल्नरी कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं. एक कर चुकी हैं और एक ऑलमोस्ट फिनिश पर हैं. तो थोड़ा बहुत तो कुकिंग का एक्सपीरियंस है. लेकिन आपको मैं सच बताऊँ, ये जो कॉम्पिटिशन का नाम है ना, इसमें इट्सेल्फ बड़ा प्रेशर होता है. अच्छे अच्छे जो है ना, वो बहुत कुछ भूल जाते हैं. तो मेरा ख्याल से ज़्यादा नर्वस नहीं करवाते हैं. बहुत अंदर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ दुआएं पड़ रही होंगी हमारी कंटेस्टेंट. उनको हम ज़रा वेलकम करते हैं. एक हमारे साथ हैं यहाँ पर सारा. अस्सलाम वालेकुम सारा. वालेकुम सलाम. सारा इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट. आप कर चुकी हैं और मैंने आपको देखा हुआ लाइव वीकेंड में भी आप आ चुकी हैं. और हमारे साथ हैं फिज़ा. आ जाइए जी फिज़ा. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट. दोनों नर्वस हैं. अच्छा, सारा के बारे में मैं बता दूं, मैं तो खुद जान कर थोड़ी सी ना, मैंने कही और बड़ी हिम्मत है वैसे आप में. आज के दिन ये आई हैं और आज से ये मायूं बैठ जाएंगी. अभी इनकी शादी होने वाली है ना. और इतनी स्ट्रेस और इतना टेंशन ले लिया कि रात आप हॉस्पिटल में. यस. और आज ये काउंटर के पीछे होंगी. जी, अल्लाह रहम कर ले, अल्लाह आपको ताकत दे. एंड फिज़ा, हाँ मुझे बताइए, आप भी कोर्स कर रही हैं कल्नरी का? जी. अच्छा, और कभी किससे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया इससे पहले? कभी भी नहीं. नेवर. इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टुडे. फर्स्ट टाइम. कैमरा भी फर्स्ट टाइम फेस कर रही हैं? डबल स्ट्रेस. मतलब आज एक नहीं, डबल डबल स्ट्रेस है हमारे दोनों कंटेस्टेंट पे. बड़ा प्रेशर है. आपको क्या लगता है सारा कि आज आपको क्या टास्क दिया जाएगा? टास्क देसी तो नहीं होगा, लाइक क्योंकि लास्ट टाइम देसी हो चुका है, तो मे बी डिफरेंट. लास्ट टाइम का शो देखा था? यस. आप लोगों ने देखा था? यस. और क्या फील किया था कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया? इट वाज एन इजी टास्क टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाउ इजी? प्रेशर. प्रेशर. इट्स ऑल अबाउट प्रेशर. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू हैंडल इट. और प्रेशर बढ़ाया जाए. हाँ जी, ये प्रेशर कुकर दिया जाए. नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन ये कि थोड़ा सा हाजिर दिमाग रहना है और बस ये सोचना है कि अच्छा ये टास्क है, चलो ये तो मैं बना लूँगी. अब अगर कोई नई चीज़ भी आ जाती है तो थोड़ा बहुत सेंस आप दोनों में होगा, क्योंकि आप दोनों स्टूडेंट्स हैं. अब देखना है कि कौन कितना अच्छा इस प्रेशर को हैंडल कर पाता है. तो मेरा ख्याल से हम ब्रेक है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ सकते हैं. हम ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से आने के बाद जो है इनको इनकी इंग्रेडिएंट्स दे दी जाएंगी, जो कि इस बार ढक कर आएंगी. ठीक है, तो आप गैस भी नहीं कर पाएंगी. और टास्क अभी से बता दूं, मैं नहीं चाहती कि मैं अभी बताऊं इनको. ब्रेक में थोड़ी सी और इनका प्रेशर बिल्डअप होने दें. सामने आएगा, ये खुद गैस करेंगी कि ये क्या चीज़ है ना. ऐसा हम करते हैं. चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे. फिज़ा और सारा आज हमारी 2 कंटेस्टेंट्स में इन में से कोई एक है जो सिलेक्ट किया जाएगा क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए और आगे बढ़ेगा सेमीफाइनल राउंड एंड देन फाइनल्स. और हो सकता है इन्हीं में से कोई एक लाइवली वीकेंड स्टार कुक बन जाए. इन सब के लिए आपको इंतज़ार करना होगा. फिलहाल एक ब्रेक एंड वी आ जाए जी. वेलकम बैक. लाइवली वीकेंड स्टार कुक में कौन बनेगा स्टार कुक, ये तो अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है ये हमारा लाइव कॉम्पिटिशन और एक सिर्फ सिलेक्शन हुई है. आज एक और हो जाएगी. अब कौन है? सारा है यहाँ पर और फिज़ा है यहाँ पर. इनके आगे टास्क रख दिया गया है. अभी भी मैंने इनको नहीं बताया है कि क्या है. मुझे तो मालूम है. मुझे ये बताइए, आपकी फेवरेट क्यूजीन कौन सी है? चाइनीज़. चाइनीज़. आपकी? पास्ता. पास्ता. कॉन्टिनेंटल. इटालियन. या अच्छा, चाइनीज़ में अच्छी हैं आप? या
आप देसी फूड में अच्छी हैं, अच्छी हैं, कुछ भी देंगे तो बना लेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल से अब रिवील करते हैं कि इनके आगे इंग्रेडिएंट्स कौन से। ज़रा प्लीज़ पर्दा हटा दीजिए, आप भी पर्दा हटा दीजिए। हाँ, क्या लग रहा है कि क्या है आज का टास्क देख के, क्या लग रहा है? Chicken strips, something. Chicken strips, like manchu, steaks, steaks. Yeah. अच्छा ठीक है जी, चले जी इनको बता देते हैं इनका टास्क क्या है। आज की थीम है चाइनीज और आपने बनाना, वैसे बनाना क्या? बीफ स्ट्रिप, बीफ चिली ड्राई। बीफ चिली ड्राई आप लोगों ने ज़रूर किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में खाया ही होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे। वैसे आपको आता है ये बनाना? आपको भी आता है बनाना? ओह वेल डन। आज थोड़ा सा टफ हो जाएगा कंपटीशन और शायद एज अ जज मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि किसकी मज़ेदार बनी है। खैर देखते हैं, ये कॉम्पिटिशन का प्रेशर मैं थोड़ा सा और बिल्डअप करती रहूँगी, इनको बीच बीच में नर्वस भी करती रहूँगी और थोड़ा सा इनका साथ भी देती रहूँगी। तो मेरा ख्याल से इनका वक्त हम शुरू करें। 20 मिनट्स दिए जाएंगे आप दोनों को, ठीक है? इसमें आपने एक तो ये टास्क है और दूसरी चीज़ क्या है, एक और रेसिपी भी है, वो है नूडल सैलड, ठीक है? तो मैं ये करूँगी कि ब्रेक के बाद आपको वो वाली इंग्रेडिएंट्स भी रख दूँगी ताकि आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकें। अभी फ़िलहाल आपके पास ये ड्राई बीफ चिली है जिसको आपने स्टार्ट करना है और अब आपका टाइम शुरू होता है राइट नाउ। हाँ जी, अच्छा जी, यहाँ पर है मारिया, दोनों ने बीफ की, हमने स्ट्रिप्स भी नहीं काटे हैं, नाइफ आपके लिए रखती है ताकि आप उसको अच्छे से करें। और राइट, ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से काम करते रहेंगे, बीच बीच में बातें हैं और मुझे जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है जी? सारा एंड फिजा फुल, दोनों सीरियस हैं। पूरे रात भर बेचैन रही होंगी ये दोनों, रात भर नींद नहीं आई होगी, यही सोची कि पता नहीं क्या टास्क होगा। कोई रिवीजन किया था क्या रेसिपीज का? नहीं। होता है ना ऐसे, एग्जाम से पहले एक रिवीजन हो जाए, ज़रा सारा कुछ देख लो, पढ़ लो। वैसे अपना फिज़ा, आपको क्या लगता है कि आप आगे तक जाएंगी? कोशिश पूरी है इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यस, सो आई फील लाइक इंशाल्लाह, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही बस मैं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन बस ये आप दोनों ने ये ध्यान रखना है कि 20 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, आपका वक्त स्टार्ट हो गया है और साथ साथ बीच बीच में मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी कि कितना टाइम रह गया है, कितना गुजर गया है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। वैसे ईजी टास्क है? है तो, लेकिन है तो ईजी करता है या अच्छा, मुश्किल नहीं है। और फिज़ा का तो फेवरेट क्यूजीन ही चाइनीज़ है, इसीलिए वो बड़े इत्मीनान में है। सारे स्ट्रेस जो है ना वो अभी इस वक्त सारा पर है। सारा, घर वाले, ससुराल वाले सब देख रहे, ओ माय गॉड, नर्वस। वैसे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट मैंने भी कभी नहीं किया, सिर्फ मेरे ख्याल से जब मैं भी कोर्स कर रही थी तो जो एग्ज़ाम था वो एक तरह से कंपटीशन था हमारा, वो भी लाइव कुकिंग कंपटीशन में तो नेवर। चलो जी, अभी तक सिर्फ स्ट्रिप्स की कटिंग हो रही है। अच्छा, ये माइंड में रखिएगा, आपने पूरी डिश सर्व नहीं करनी है, आपने सिर्फ एक प्लेट, एक प्लैटर, सिंगल पर्सन, सिंगल सर्विंग के लिए, हाँ, so like ताकि आप ज़्यादा टाइम सिर्फ बीफ की कटिंग में ना लगा दें कि जी सारा है बीफ तो सभी को कट करना है, आप थोड़ा ही कर सकती हैं जितना पोर्शन आपने सर्व करना है। आई नीड अ बोल। हाँ, क्या चाहिए आपको? बोल मैरिनेशन के लिए। ये रहे बोल्स, बोल मैरिनेशन के लिए यहाँ रखे हुए हैं। आपको अगर मैरिनेशन के लिए बोल चाहिए, बोल रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, कोई चीज़ चाहिए हो जो आपको यहाँ नहीं नज़र आ रही हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा, इतनी तो मैं मदद कर ही दूंगी अपने कंटेस्टेंट्स की। हाँ तो जी, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज का, गेस कर सकते हैं कि आज के विनर कौन होंगे, कौन है जो क्वार्टर फाइनल राउंड में क्लियर कर जाएंगे और आगे सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, किसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी। वैसे आप लकी हैं सारा जी, दूसरे मामला में लकी कंसिडर करती है, अपने आप को कंसिडर करती है, लक साथ देती है, लक साथ देती है।
होता है ना, कुछ लोग कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हैं फिजा आप भी लकी कंसिडर करती हैं अपने आप को? जी, बिकॉज आई हैव अ बर्थ मार्क ऑन माई फेस, हाँ, तो मैं बर्थ मार्क को मैं अपना लकी ही समझती हूँ. अच्छा, इट्स योर बर्थ मार्क? आई थॉट कि कोई सर्जरी. नो, आई हैड अ सर्जरी. आई यूज्ड टू हैव अ बर्थ मार्क इधर ही. अच्छा, तो ठीक है, सही है. हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ फॉल्ट जो होती है वो आपके लिए जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाती है. अच्छा जी, मैरिनेशन यहाँ पर शुरू हो गई. मैं ज़रा रेसिपी भी देख लूँ कि ये किस तरह से बना रही हैं. हाँ, मैंने बस अभी चिकन, सॉरी, बीफ को जो है स्ट्रिप्स में काट लिया है. अब इसकी मैरिनेशन के लिए आई हैव यूज्ड एग, वाइट पेपर, थोड़ा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है, और थोड़ा सा सोया सॉस. अच्छा, और जो है दैट्स इट. अब मैं जो हूँ इसको थिनली जो है डीप फ्राई, थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी, ठीक है, ऑयल के अंदर. अच्छा, ताकि वो एक क्रिस्प एक वो आ जाए. ठीक है, और बाकी चीज़ें? बाकी देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग कटिंग द वेजिटेबल्स. ठीक है, सही है. और बाकी आपने एक नूडल सैलेड है जिसके हम इंग्रेडिएंट्स ब्रेक के बाद आप लोगों को दे दें. कितना टाइम हो गया है भाई, हमें बताते हैं? 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब आप लोगों के पास 15 मिनट रह गए हैं. क्या करना है? बोलो. आपकी मैरिनेशन शुरू हुई? ऑलमोस्ट. क्या क्या डाल रही हो सारा? चॉप्ड गार्लिक, सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट एंड पेपर्स. ठीक है, और इनको डीप फ्राई करोगी आप? डीप फ्राई. आपके हाथ में आपको लगता है? या हाँ, कुछ खानों में तो लगता ही होगा. फिजा का तो पहला एक्सपीरियंस है, शो पे भी ये फर्स्ट टाइम आई है. आते साथ ही जो है वो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं अपने, हाँ, जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने उसी में ही मैनेज करना है. जी, वैसे देखा जाए तो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सेम ही फ्लेवर होना चाहिए, लेकिन फिर भी लुक वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, टेस्ट वाइज दोनों का मुख्तलिफ होगा. और इसी पे ही इन दोनों को जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे और इनकी सिलेक्शन की जाएगी. सिर्फ जायका नहीं, प्रेजेंटेशन भी. और बीफ का गलना मैं उस पर कोई मार्क्स नहीं काटूंगी, कोई जज नहीं करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइम इतना नहीं होता है. अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ठीक है, तो हम ब्रेक में ये करेंगे. आप लोग अपना काम जारी रख सकते हैं, हम ब्रेक ले लेंगे. आपका जो टाइम है उसको हम स्टॉप कर देंगे, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे दोबारा से वहीं से रिज्यूम करेंगे. तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, आप लोग हमें कॉल करके अपना गेस बता सकते हैं कि आज की विनर फिजा होंगी या सारा होंगी या कौन होगा. एक लेते हैं ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं. जी, वेलकम बैक. अब इनका टाइम जो है दोबारा से शुरू हो चुका है, लाइव कुकिंग कॉम्पिटिशन लाइवली वीकेंड में. आप देख रहे हैं आज की हमारी दो कंटेस्टेंट, दोनों स्टूडेंट्स हैं कल्नरी की. एक तरफ सारा हैं और एक तरफ फिजा हैं. और टास्क है ड्राई बीफ चिली और साथ में सैलेड है नूडल के साथ. अच्छा, हमने दूसरी रेसिपी जो है वो दे दी है. कितने मिनट हैं? 12 मिनट अब आप लोगों के पास हैं. हमने दूसरी रेसिपी भी रखवा दी है ताकि अगर नूडल्स वगैरह उबालने हैं वो साथ में मैनेज करना है आपने. थोड़ा सा प्रेशर आप लोग ज़रूर फील करेंगे, लेकिन अगर थोड़े से हाजिर दिमाग हैं तो सब हो जाएगा, सब कुछ मुमकिन है. हमने टास्क ही इस तरह का दिया है. अच्छा जी, फिजा जो है वो यहाँ पर बीफ स्ट्रिप्स हो चुकी हैं. अब मैं हल्की आंच पे किया, गला देना प्लीज़, कोशिश ये करना. जी ये नहीं है कि जल्दी के चक्कर में आप कच्चा ही उतार लें और सिर्फ कलर दे दें, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो गल जाए. दूसरी तरफ आपने पानी भी बॉईल करने रख दिया है नूडल्स के लिए. जी, ठीक से अच्छे से टाइम मैनेज कर रही हैं. और यहाँ पर सारा का ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है सारा. अब आपने सारी वेजिटेबल की भी कटिंग कर दी है, बीफ को अच्छे से मैरिनेट किया है मिर्चें डाल के और सॉस डाल के. जी, ऐसे खाली खड़े मत रहना, बस कुछ ना कुछ काम करते रहना है, क्योंकि हर सेकेंड हर मिनट बहुत कीमती है आपके लिए. अच्छा, और बाय द वे ब्रेक में आप लोग जो भी काम करते हैं या जो भी
हमारे फ्लोर इंचार्ज से बातचीत करते हैं या जो भी सफाई सुथराई करते हैं वो सब भी मैं नोट कर रही होती हूँ। ये मत सोचिएगा कि टाइम हमने कट कर दिया है तो ब्रेक में कोई देखेगा नहीं, वो सब कुछ भी काउंट किया जाएगा। अच्छा, अब आप बीफ को फ्राई करने जा रहे हैं। नॉन स्टिक पैन्स हैं, चमचे आपके पास हैं, नॉन स्टिक स्पून भी सारे दे दिए हैं, सब चीज़ें, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनाएंगे तो मैं इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको जो भी अच्छे से काम करेगा, नॉन स्टिक पैन में स्टेनलेस स्टील का चमचा नहीं चलाना है, चमचे पे ध्यान रखना है, तो फिर मैं इन पॉइंट्स की बुनियाद पर जितवाऊंगी। अच्छा जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बाय द वे आज का टास्क बहुत अच्छा है, चाइनीज़ रखा हुआ है, थोड़ा सा राइस वाइस भी दे देते तो मैं खा लेती साथ में। सारा आपके पास सारे स्पून रखे हुए, देखो वहाँ बास्केट है, वहाँ से निकालो नॉन स्टिक स्पून। हाँ, क्योंकि अगर ये घर बैठी खवातीन नोट कर रही होंगी और मैं यहाँ खड़े होके ना आप लोगों को बताऊँ तो ज्यादती हो जाएगी। भाई कोई कॉल शॉल करके मुझे थोड़ा सा मशवरा दें, गाइड करें, क्या लगता है कौन जीतेगा आज का ये राउंड जो है, क्वार्टर फाइनल राउंड में कौन पहुँचेगा, उन 8 लकी कंटेस्टेंट्स में से इन दोनों में से कौन एक होगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपने गार्लिक को सौते किया, शिमला मिर्च डाली और अब ये बीफ डाल दिया। बीफ थोड़ा सा इसमें भी गल जाएगा। हाँ, और थोड़ा मैंने कोटिंग के लिए, जस्ट फॉर कोटिंग। ठीक है जी, मैं अभी टाइम आपको बताती हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस किरण, अलीम बात कर रहा हूँ। सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? अलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी अलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं ये लाइव कुकिंग? जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह आपका मैं पहले भी प्रोग्राम देखता हूँ, मैं खुद भी कुकिंग करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आप अपने प्रोग्राम में जो गेस्ट को बुलाते हैं तो ये सिर्फ मतलब जो कोर्स किया हुआ होता है या जिन्हें मतलब जो खास इंस्टीट्यूट से होते हैं, या अगर मैं जैसे आना चाहूँ तो उसके लिए वो पॉसिबल है? बिल्कुल आप आ सकते थे, लेकिन अब हमने जो 16 की सिलेक्शन करनी थी वो कर ली थी, जितनी भी एंट्रीज आई थी हमारे पास, और हमने शुरू में ही अनाउंस किया था कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही नहीं, कोई एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि हाउसवाइफ्स हैं, कोई शेफ्स हैं, कोई होटल में काम कर रहे हैं या कोई सीख रहे हैं या किसी को शौक है या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एनीबडी इज़ वेलकम इन दिस कॉम्पिटिशन। तो अब 16 लोग हमने सेलेक्ट कर चुके हैं, अब जब नेक्स्ट कभी होगा ना तो उसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बट अभी आप मुझे बताएं कि फिज़ा या सारा, इन दोनों में से कौन आपको लग रहा है कि आज विन करेंगी? ये मेरा ख्याल है शायद जो आप, मैं आपके लेफ्ट साइड पर हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रही हूँ। जो ये फिज़ा है जी, जी जो ब्राउन जिन्होंने पहना हुआ है, नहीं नहीं वो जो उस तरफ है दूसरी जो पीले कलर जो आज माई बैठेंगी। अच्छा ठीक है, वो ज्यादा बेहतर कर रही है। जी हाँ जी, सही है। वैसे कोई गलती किसी आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं सारे। अच्छा, मैं देखता हूँ और इससे रेसिपी ट्राई भी करता हूँ मैं। हाँ हाँ जरूर कीजिएगा, बस ये थोड़ा सा आज का जो सैटरडे का शो है ना, ये इंजॉय करने का है, देखने का है, क्योंकि रेसिपी पे हमारा इतना फोकस नहीं है। बट एनीवेज थैंक यू सो मच अलीम साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कितने मिनट हो गए, कितने मिनट रहते हैं ये? ओह माय गॉड, ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट फॉर सारा एंड फिजा, सिर्फ 8 मिनट हैं, और उसमें इन्होंने सैलड भी बनानी है नूडल के साथ और ड्राई बीफ चिली, तो आपका ऑलमोस्ट हो गया है। बस थोड़ा सा इसका प्लेटिंग भी करनी है। मैंने यहाँ पर प्लेटर्स रखवा दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटर्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आपकी पसंद का आप उसको ले लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो डन, ऑलमोस्ट ठीक है। ड्राई बीफ है और बीफ को थोड़ा सा चेक कर लेना, जिसका जितना ज़्यादा गला हुआ होगा उसको भी ज़्यादा पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, नूडल्स उबल गए। सुनो 8 मिनट में 1 मिनट तो चला गया होएगा, अब तो 7 मिनट रहते होंगे। ड्रेन करने के लिए वो रही छलनी, वो रहा बोल, अगर सिंक तक जाना है तो सिंक भी है, वरना बोल में पानी ड्रेन करना है तो बोल में भी कर सकती हो।
अभी वेजिटेबल्स बाकी हैं कट करनी जो सैलड के लिए है, जल्दी जल्दी इंतज़ार नहीं करो जब तक बीफ हो रहा है, सैलड की सब्जियां कट कर सकती हो, ये कर लो। हाय शुक्र है आज चीज़ें जली नहीं है, लास्ट शो में तो जल गई थी, बहुत बुरा डिजास्टर हुआ था। थोड़ी सी सर्विंग कम लग रही है वैसे, है ना, श्रिंक हो गया वो बीफ फ्राई होके, क्वांटिटी बिल्कुल कम हो गया। अब इसको आप किस तरह से मैनेज करोगे प्लेटिंग में, ये आपका कमाल होगा। ठीक है जी, टेंशन टेंशन, नर्वस, स्ट्रेस, हाथ पांव कांपने शुरू हो गए हैं जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, हमारे कंटेस्टेंट्स की दिल की धड़कनें और तेज हो गई हैं। फुल सीरियस, अभी गुस्सा आ रहा है किसी पे? गुस्सा तो किसी पे नहीं आ रहा, पे नहीं आ रहा। फिजा आप पर, आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे? नहीं, अंदर से रिलैक्स हो? जी जी, थोड़ी सी नर्वस हूँ टाइम को लेके, थोड़ी सी नर्वस, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। हैं ये दोनों कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी तक तो कहीं नहीं पहुँचे, ये लोग यहीं तक ही हैं। अच्छा ये आपने क्यों छोड़ दिए हैं वैसे, और बना रही हो? सर्विंग अब ज़्यादा कर ली, अच्छा। वेजिटेबल्स से मैं वो कर दूँ। ठीक है, ज़्यादा सर्विंग, नूडल उबल गए हैं तो कर देना, ठीक ड्रेन कर देना, उसकी भी सब्जियाँ काटनी है, सौते करना है, जिस तरह भी आपने सैलड बनानी है। मेरे से कोई मदद चाह रही है? नहीं। कुछ नहीं, आपकी मदद चाह रही है मेरे से कि किरण ठीक ये तो कर दें आप मेरे लिए, नूडल्स ड्रेन कर दें, नूडल्स ड्रेन कर दें। अच्छा पॉइंट्स कट जाएंगे ये सोच लो, कर तो मैं दूंगी। चले बस हो गया, से मेरा मेरे से काम ले लिया था कितना नहीं करें, 5 मिनट हैं, 5 मिनट को हम कर देते हैं यहीं पर ही पॉज, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके दोबारा 5 मिनट से हम रिज्यूम करेंगे। कॉम्पिटिशन अब थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, अब उस टाइम में कैसे मैनेज करती हैं सारा और फिजा, इस ब्रेक के बाद देखते हैं। वक्त बहुत कम है और इस वक्त को देखते हुए जल्दी जल्दी तेजी तेजी से हाथ चल रहा है, और जब तेजी तेजी से हाथ चलता है तो हाथ कट भी जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल चुन्नी सी इंजरी तो हो गई, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर रही हैं। ऑब्वियसली कोशिश पूरी यही है कि जो टास्क दिया है उसे वक्त पे ख़त्म कर दिया जाए। मारिया ने ऑलमोस्ट अपनी सैलेड भी तैयार कर रही है विद नूडल, और प्लेटर आपने सजाना है। आप लोगों के पास अब सिर्फ मेरे ख्याल से 5 मिनट से कम टाइम रहता है, 5 मिनट से कम टाइम रहता है। ब्रेक में आप लोग अपने काम करते रहे हैं, हमने आप लोगों को रोका नहीं ताकि आप लोग अच्छे से मैनेज कर दें। बाय द वे हमारे व्यूअर्स क्या समझते हैं कि ये जो आज हमने टास्क इनको दिया था ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है इनके लिए, या इनको सिर्फ एक रेसिपी देनी चाहिए थी? मेरे लिहाज से तो ये दोनों चीज़ें 20 मिनट्स में आराम से बन जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सामने प्रिपेयर करके रख दी गई थी, सिर्फ थोड़ी सी कटिंग थी। एंड चाइनीज़ आपको पता है वैसे ही 10 मिनट का खेल है ना, इसीलिए मैंने सैलेड की भी रेसिपी पहले ही रखवा दी थी ताकि टाइम अच्छे से आप लोग मैनेज कर लें। नूडल को बॉईल करना है, कर दीजिए, कटिंग सारी हो गई, सैलेड है ना, ये सैलेड है हाँ। अब आपने उसको जिस तरह भी बनाना है, सौते नहीं करना, नहीं करो, बस अच्छा सा फ्लेवर देना है। ये क्या बीफ आपने निकाल के रखा है यहाँ? ये प्लेटिंग हो चुकी है। तो छुपाई भी क्यों है तुमने? वो जगह नहीं मिली थी, ये भी ना जगह, यहाँ रखते हैं। ये प्लेटिंग किया है इसने और ग्रे की सिलेक्शन की है प्लेटर की बीफ है चिली के साथ है, ऑलराइट। और वहाँ पर सैलेड की भी कटिंग हो गई है, हो जाएगा। नॉट मोर देन 4 मिनट्स आप लोगों के पास हैं, और ये हमारा लास्ट मेरे ख्याल से सेगमेंट होगा, इसके बाद में हम लास्ट ब्रेक लेंगे और फिर इनके पास टाइम नहीं होगा। जो टाइम है, जितना टाइम है, सिर्फ यही है, अभी है। आपने बोल की सिलेक्शन की है सैलेड के लिए, ठीक है। और ड्रेसिंग वगैरह कुछ बनाई है इसकी या बस ऐसे? जी बस अभी बना रही हूँ, हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, और आपने अभी तक प्लेटिंग नहीं की है? बस इसकी प्लेटिंग हो गई है, उसकी बस ऑलमोस्ट कर रही हूँ। हाँ ये कर देना, बोल नहीं हमारे पास,
हाँ छोटा बोल तो नहीं है लेकिन आप बड़े में ले लो, जो चीजें हैं उसी में मैनेज कर लो, ड्रेसिंग ही तो बनानी है। यहाँ पर अब आप सोते करने जा रही हैं जी, देखते हैं जी, टफ है। और इतना मैं आपको बता दूं कि आर्ट की सिलेक्शन तो मैं कर ही लूँगी, इन 16 जितनी भी एंट्रीज आई हैं हमारे पास, फिर उसके बाद जो हमारा सेमीफाइनल राउंड होगा फिर हम अपने इन हाउस एक्सपर्ट्स, इन हाउस शेफ्स को भी दावत देंगे एज जज, ताकि वो जज करें और थोड़े से टास्क में भी जिसे कहते हैं ना उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, टास्क बढ़ा देंगे, थोड़ा सा वक्त भी बढ़ा देंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो। हाँ अभी तो क्वार्टर फाइनल के लिए हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, 8 सेलेक्ट हो जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए, फिर उन 8 में से 4 आगे बढ़ेंगे सेमीफाइनल राउंड के लिए, और फिर उन 4 में से कोई 2 होंगे जो फाइनल राउंड पर जाएंगे, और उन 2 में से 1 होगा जो बनेगा लाइवली वीकेंड स्टार कुक और ट्रॉफी विन करेगा और ढेर सारे इनामात विन करेगा, और हो सकता है कि मसाला चैनल पर उसको कोई रिकॉर्डेड शो भी दे दिया जाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, कॉल की आवाज़ नहीं आ रही है, ये अच्छे से वेजिटेबल्स होते कर रही है। हाँ जी जी, वालेकुम सलाम जी, कैसी है किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और मैं देखती हूँ इसको बाकायदगी से, बहुत अच्छी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहे हैं, और आप एंजॉय कर रही हैं ये लाइव कंपटीशन? बहुत ज्यादा, हमारा पूरा घर एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। अरे वाह, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लग रहा है कि जैसे फिजा जीतेंगी आज माशाल्लाह। फिजा जीतेंगी, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, कोई खास वजह? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि फिजा बड़ा अच्छी जल्दी जल्दी हाथ चला रही है काम के अंदर, वो भी बच्ची भी अच्छा कर रही है। बेचारी सारा भी बड़ी मेहनत कर रही है, फिजा ने तो अपनी उंगली भी काट ली जल्दी जल्दी में। जी जी, बस अल्लाह मियां खैर, दोनों जीते हैं, दोनों ही अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों जीत जाए? ऐसे तब कहीं ना कहीं किसी एक को तो जीतना पड़ेगा, एक को तो जीतना पड़ेगा, एक को हारना पड़ेगा। दोनों के लिए दुआएं, जो भी होगा अच्छा होगा। चलें जी, एंजॉय करें। आप कॉम्पिटिशन में आएंगी? नहीं नहीं, मैं कहा सही है। चले ठीक है, थैंक यू आपके चैनल के लिए, अल्लाह। कई लोग ऐसे होंगे जो शुक्र कर रहे होंगे, हाय शुक्र है हमने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, है ना? आप तो नहीं है ऐसा? नहीं, काश मैं नहीं लेती तो अच्छा था। हाँ फिजा ऐसा तो नहीं सोच रही कि नहीं मैं नहीं होती तो अच्छा था, सुकून से वैसी आ जाती लाइवली वीकेंड में कभी। चलो जी, कितने मिनट है? मेरा ख्याल से 1.5 मिनट रह गया है। ओह माई गॉड, टू मच स्ट्रेस। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं। सिर्फ 1.5 मिनट है, उसके बाद में मैं बिल्कुल भी लीनियंट नहीं रहूँगी इनसे। मिसेस जमीर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा ज़बरदस्त शो जा रहा है किरण। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए आपको, आप किसके फेवर में हैं? मैं देख रही हूँ दोनों बच्चियों को, लेकिन फिजा मुझे लग रहा है जबरदस्त जा रही है वो, उनका कॉन्फिडेंस देख के, और ये के बहुत प्रोफेशनल भी लग रही है, वो इस तरह ना कर रही है काम ठीक। हालांकि उनका पहला फिजा वो मैट है हमारा, आप उसी से पोछ रही हो। टिश्यू यहाँ पर हमारा मैट खराब कर दिया। 30 seconds आप लोगों के पास हैं वाइंड अप करने के लिए, और अपने प्लैटर्स जो भी सज जाएं वो सामने रख दीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको किचन काउंटर से हटा के सामने ले आऊँगी। वक्त कम हो रहा है। छन्नी, नई छन्नी यहाँ पर, ये वाली है, इसको यूज़ कर सकती हो तो कर लो, टाइम बहुत कम है सारा। फटाफट जल्दी जल्दी, 15 seconds। बहुत स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस। एनीवेज देखते हैं, 2, 1 एंड टाइम इज अप। रख दीजिए अपनी चीज़ें, वापस रख दीजिए, जितना भी हो चुका है सामने ले आओ, रख दो सामने प्लेटर को, सारा सामने ले आओ, यहाँ रख दो, आप भी रख दो। ठीक है जी,
अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मैं टेस्टिंग करूंगी और फिर बताऊंगी कि आज की हमारी विनर सारा या फिजा और क्या क्या डिजास्टर हुआ। एक ब्रेक लेते हैं। आज का शो मेरे ख्याल से सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए ही टफ नहीं था, बल्कि मेरे लिए भी एक बड़ा टफ टाइम होगा अभी जज करने में। ब्रेक में मैंने दोनों के जो मेन कोर्स है ड्राई बीफ चिली तो मैंने ट्राई किया है, ठीक है। अच्छा, आज मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फ्लेवर के हिसाब से आप दोनों ने बहुत अच्छा फ्लेवर दिया है बीफ को, और दोनों का बिल्कुल इक्वली उसी तरह से गला हुआ है, ये नहीं है कि कोई रबड़ है ज़्यादा। हालांकि मुझे लगा था कि आपके स्ट्रिप्स बहुत मोटे हैं तो गलेगा नहीं बीफ, बट उसमें फ्लेवर और कुछ मैरिनेशन है कि बहुत अच्छा गला है, और आपने वैसे भी बहुत थिन स्लाइस किया था। दोनों का फ्लेवर डिफरेंट है और दोनों का बहुत मज़ेदार है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मुझे मजबूरन जो है वो नूडल सैलेड भी टेस्ट करनी पड़ी। अच्छा, नूडल सैलेड का ये आज जो है, मुझे आपने वेजिटेबल्स को सौते नहीं किया। वेजिटेबल्स मैंने हाफ इसके अंदर सौते कर लिया था, फॉर गार्निश मैंने गार्निश आपने इस तरह से रखा है, और आपने पूरी चीज़ें सौते की थी और सॉस के साथ थोड़ा सा फ्लेवर और ऐड किया था। अच्छा, मुझे जो लग रहा है बीफ में, तो मैं दोनों को इक्वल मार्क्स दूंगी। मेन कोर्स वॉज एक्सीलेंट, ठीक है, दोनों ने टाइम में मैनेज किया, वॉज एक्सीलेंट, दोनों को इक्वल मैं मार्क्स दूंगी। 20 मिनट्स में दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर दी। अब मेरे ख्याल से मैं एक तो सैलेड के हवाले से कहूंगी कि मुझे जो सैलेड का फ्लेवर लगा है, सैलेड का फ्लेवर मुझे थोड़ा बहुत फीका साइड पर है आपका, आपका थोड़ा सा फ्लेवरी है क्योंकि शायद आपने सौते किया वेजिटेबल्स को, प्लस आज मुझे लगता है मार्क्स सिर्फ प्रेजेंटेशन ही जो है वो जितवा सकती है, क्योंकि बाकी टेस्ट और टाइम और सलीका उन सब में दोनों ने बहुत अच्छा किया है, और लग रहा है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते थे ये रेसिपी बनाना, और ये मुकाबले को आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो प्रेजेंटेशन और प्लेटिंग के हवाले से मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि किसकी प्लेटिंग ज़्यादा अच्छी है, चलो इनसे पूछ लेते हैं। दोनों की अच्छी है, बराबर है, दोनों की अच्छी है। आपको क्या लगता है प्लेटिंग दोनों में से किसकी अच्छी लग रही है? We both did great. ऐसा ऐसे कहीं जाओगी तो प्लेटिंग किसी रेस्टोरेंट में होगा तो क्या? टू बी ऑनेस्ट माइन, टू बी ऑनेस्ट योर्स, आप भी ऑनेस्टी बता दें। आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लेटिंग के हवाले से आप लोग क्या कहते हैं, चले बताइए ये वाली प्लेटिंग अच्छी है या ये वाली प्लेटिंग अच्छी है। अब कॉलर से तो मैं बात नहीं कर सकती, ये वाली यहाँ पर ज़्यादा भारी हो रहा है। वैसे मुझे भी प्लेटिंग के हवाले से नूडल्स और इसकी प्लेटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। तो सिर्फ आज का कंपटीशन जो है वो सारा ने विन कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लिए लिए प्लेटिंग की वजह से। मुबारक हो सारा, आज ये मायूं बैठ जाएंगी। अब आगे ये ऐसा तो नहीं है कि आप आ ही ना सके, मैं आऊंगी, और अगर ये ना आ सकी, इनके हस्बैंड ने इनको इजाजत नहीं दी, तो फिर हम उनकी तरफ से वापस ले आएंगे, ठीक है फिजा, यू विल गेट अ चांस। Yes, क्योंकि हमारा एक ड्रॉप आउट वाला भी एक होता है ना, कि जैसे कि एक रखा हुआ है हमने, कोई बिलफर्ज कंटेस्टेंट नहीं आ सकता है, तो फिर बट फिजा यू डिड अ वेरी गुड जॉब, थैंक यू सो मच, योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, आपने पहली मरतबा कैमरे को फेस किया और आते साथ ही कुकिंग कॉम्पिटिशन में आई हो, यू वर वेरी गुड, ठीक है, और आपके दोनों के बीफ के फ्लेवर्स बहुत मज़ेदार थे। आप खाली हाथ नहीं जाएंगी, एनिक्स का गिफ्ट है आपके लिए जो आपके साथ जाएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कॉम्पिटिशन खत्म होगा, हम आपको अपने शो पे फिर से बुलाएंगे इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सो यू नेवर नो कि कब क्या होगा, तो आप ऑल प्रिपेयर्ड, ऑल सेट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। घर वालों को कुछ कहना चाहेंगी, वो दुआ कर रहे थे आपके लिए जी। क्या सब मेरे दुआ कर रहे थे, उनको बहुत बहुत थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। व्हाट, एक रिलैक्सेशन होगा, लेकिन That's not it. ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने आगे हमारे क्वार्टर फाइनल से सेमी फाइनल तक जाना है तो ये टेंशन और स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, या आई एम प्रिपेयर्ड, ठीक है जी। ये था हमारा आज का कॉम्पिटिशन, और लाइवली वीकेंड स्टार कुक, देखते हैं कि कौन बनेगा। 16 में से दो की सिलेक्शन हो गई है, आज जीती है सारा और एक पिछले हफ्ते की विनर थी। अब नेक्स्ट वीक सैटरडे को इसी तरह से ये होगा लाइव कुकिंग कंपटीशन, और उसमें कौन जीतेगा बाद में ही पता चलेगा, कौन टास्क कंप्लीट करता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह हमारी आपसे कल मुलाकात होगी, अच्छे से कुकिंग होगी जो आप सीख सकेंगे, और किसी नए एंटरप्रेन्योर से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। हाफिज़।